अगर इन चॉकलेट हार्ट्स को देखकर आपको लग रहा है कि इन्हें बनाना बहुत ही कठिन होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ, साथ ही साथ एक चॉकलेट रोल की भी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ किए हैं जो घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये मैरीगोल्ड वाले बिस्किट हैं, तो इन्हें मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले रही हूँ। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया है कोको पाउडर। इसमें मैंने 80 ग्राम के करीब बिस्किट लिए हैं और 50 ग्राम के करीब कोको पाउडर लिया है। और अब मैं इनको एक मिक्सचर जार में डाल के और अच्छा सा एक फाइन पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए, मेरे पास अब ये एक फाइन पाउडर रेडी हो गया है। और इसमें नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट मैं डाल रही हूँ मिल्क मेड, जो कि आप किसी भी कंपनी का कंडेंस्ड मिल्क ले सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर देंगे और अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा मिल्क भी डाल सकते हैं, पर यह आपके बिस्किट पे डिपेंड करता है कि आपको और कितने कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत है। तो एक बटर पेपर पे मैंने थोड़ा सा उसे ग्रीस कर लिया था और उसमें ये मिक्सचर रख के और इसे मैं ऐसे प्रेस कर दे रही हूँ हाथों से। तो इस रेसिपी में हमें ना ही ओवन की ज़रूरत है, ना ही अंडों की और ना ही किसी और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसे अच्छे से प्रेस करके और इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से क्रश किए हुए काजू डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी नट इसमें ऐड कर सकते हैं, बादाम या अखरोट या कोई भी। और इसके बाद मैंने एक कुकी कटर लिया है और इसकी हेल्प से हम इसके छोटे छोटे हार्ट शेप के बाइट्स निकाल लेंगे। देखिए, इसमें हमने कोई कुकिंग भी नहीं की है, सिर्फ हमने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया है। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही आराम से हार्ट शेप बाइट्स निकल रहे हैं। इन्हें आप कभी भी आराम से रेडी कर सकते हैं, जैसे कि वैलेंटाइंस डे हो या फिर बर्थडे हो या किस क्रिसमस हो या कोई भी किटी पार्टीज़ वगैरह हो, तो ये छोटे छोटे चॉकलेट बाइट्स आप आराम से बना सकते हैं। सिमिलरली सेम उसी मिक्सचर से मैं अपनी सेकेंड रेसिपी रेडी करने जा रही हूँ। और जैसे हमने पहले उसे बटर पेपर में रख के प्रेस किया था, सेम वे में मैं उसे काजू डाल के और ऐसे हल्के से प्रेस कर रही हूँ। इसके बाद मैं और काजू डालूँगी जिससे कि ये उसके ऊपर की लेयर में भी आ जाएंगे और अंदर भी। तो इस तरह से मैं इसे रोल करूँगी और इसे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक राउंड रोल जैसा ये तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने एक अच्छा सा राउंड रोल रेडी कर लिया है और इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। लगभग 30 मिनट्स के लिए मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। और 30 मिनट्स हो गए हैं और चलिए चेक करते हैं कि अब ये कैसा हो गया है। तो ये काफ़ी टफ़ सा हो गया है, हार्ड सा, और इसको अब हम कट कर लेंगे। और ये देखने में टफ़ लग रहा है लेकिन चाकू से बहुत ही इजीली कट हो रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक चौको रोल हमारा रेडी हो गया है बनके। और ये देखिए, इसमें अंदर भी काजू हैं और ऊपर भी। तो इस तरह से हम सेम डो से दो तरह की रेसिपी आराम से रेडी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने दो दो ट्रीट्स रेडी किए और इसमें हमने ना ही माइक्रोवेव का यूज़ किया, ना ही हमने कोई कुकिंग की, ना ही हमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी, ना अंडों की ज़रूरत पड़ी, और फिर भी हमारे दो दो ट्रीट्स रेडी हो गए हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ और आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।